उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिधामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के समाधान में देरी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश यहां पर सीएम पुष्कर सिधामी ने दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को बीडीसी की बैठकों में जाने के निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिधामी एक बार फिर से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जहां पर जन समस्याओं के समाधान में लगातार देरी हो रही है और इसी के चलते उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, लगातार अगर देखा जाए तो जब भी जन समस्याओं का समाधान नहीं होता है या अधिकारी कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतते हैं तो सीएम पुष्कर सिधामी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं और साथ ही सख्त कार्रवाई करने की बात भी कहते हैं। एक बार फिर से इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई, फटकार लगाई और दो टुक साफ तौर पर अधिकारियों को हिदायत मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए कि जनता से जुड़ी जितने भी कार्य हैं, जन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी गंभीर नहीं होंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और कई बार एक्शन लेने से भी मुख्यमंत्री ने गुरेज नहीं की, क्योंकि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की संकल्प को आगे बढ़ा रही है। लिहाजा जब ये मामला लापरवाही का मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है तो मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से लेते हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर दो टुक ये हिदायत देते हैं कि आप अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाइए, आप विकास के कार्यों के प्रति गंभीर होइए और आप जो जनता से जुड़ी समस्याएं उनके समाधान करने के लिए आपको गंभीरता बरतनी होगी, वरना एक्शन लिया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम मुख्यमंत्री के निर्देशों को देख सकते हैं। जब भी जन समस्याओं के मामले आते हैं या कहीं लापरवाही या हिलावाली कहीं अगर अधिकारियों की आती है तो मुख्यमंत्री उस पर सख्त रूप अख्तियार करते हैं और अब मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक है उसमें भी जिलाधिकारियों को शामिल होना होगा और जो प्रत्येक कार्य दिवस है उसमें कुछ समय अधिकारियों को इस बात के लिए आरक्षित करना होगा कि जनता की समस्या से संबंधित जो मामले आ रहे हैं उनको प्राथमिक तौर पर सुना जाए और जो उसके बाद फिर मीटिंगों का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि जिले के जो जिलाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के इन दिशा निर्देशों को कितनी गंभीरता से इनका अनुपालन करते हुए नजर आते हैं और कहीं पर किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो मुख्यमंत्री इसमें एक्शन भी लेने वाले हैं। अब देखना हो कि अधिकारी कितनी गंभीरता से इसको लेंगे और किस तरह से जन समस्याओं का समाधान होता हुआ हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल सोनू, लोकसभा चुनाव और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं और ऐसे में काफी खास हो जाता है क्योंकि जो लोगों की समस्याएं होती है उसका निराकरण अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया जाता है। अब ऐसे में सीएम ने निर्देश जारी कर दिए, देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है और जिस बात की नाराजगी सीएम पुष्कर सिधामी ने व्यक्त की है अधिकारियों से उसका निर्वहन किस प्रकार से करते नजर आते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी सोनू। देखिए, सीएम धामी ने अब अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए और साफ तौर पर कहा कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।